एहसास है कि हम क्लासरूम में बच्चों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ग्रूम्ड ही नहीं होते, उन्हें सेंस ही नहीं होती कि सवालात पूछने चाहिए या उनको सवाल करने से सारी उम्र रोका गया होता है तो वो सवाल नहीं करते। तो आप बताएंगे कि एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो कैसे बिहेव करे कि वो मैक्सिमम लर्न कर सके, जो भी जिस कैलिबर का भी टीचर है उसके सामने उससे मैक्सिमम लर्न कर सके। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये जो बच्चे जिन जिन जिस माहौल से निकलकर 10वीं 11वीं पास करते हैं और उसके बाद वो कॉलेजेस में आते हैं, वो सारा का सारा माहौल जो है वो बेसिकली उनको सवाल करने से डिस्करेज करता है। आपने जो बात फरमाई कि उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देखिए जो स्टूडेंट है, और ये क्वालिटी स्टूडेंट ही की सिर्फ नहीं है, बेसिकली ये इंसान की क्वालिटी है। यानी इंसान बुनियादी तौर पर क्यूरियोसिटी के साथ पैदा हुआ है, वो जानना चाहता है चीजों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर इंसान हर चीज को नहीं जानना चाहता, उसके अपने 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 लिमिटेड स्कोप्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। जब वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने इंटरेस्ट के लिए चीजों को परसू करता है तो वो लाजमन क्यूरियस होता है। जिस वक्त हम एक बच्चे का जो टारगेट है वो बना ही ये दें कि उसने नंबर लेने हैं, तो फिर असल में उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैंने सीखना क्या है या मैंने क्या सवाल करना है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि नंबर कैसे आए। तो प्राइमरीली जब ये सिस्टम जो है पूरे का पूरा वो नंबर नंबर लेने ही को सपोर्ट करता, नंबर लेने ही को रिवॉर्ड करता और उसी के लिए वो ऑनर लिस्ट बनाता है, तो फिर बच्चे की लर्निंग का इंटरेस्ट तो हम अपने सिस्टम ही से खत्म कर देते हैं। एक अच्छा लर्नर जो है वो लाजमन क्यूरियस भी होगा, वो लाजमन हम्बल भी होगा। हम्बल से मेरी मुराद ये है कि वो ये जानता होगा कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन जिस वक्त हम इसका टारगेट ही चेंज कर देते हैं तो फिर असल में उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो हम पहले दिन से ही हिंडर करना शुरू कर देते हैं। मुईसर, आप जानते हैं कि हमारा ये एजुकेशनल सिस्टम जो है ये 200 साल पुराना अंग्रेजों का तरतीब दिया हुआ है, जिसमें कि एक खास तरह के लोगों को तरबियत दे के मार्केट में लाना था, जिससे कि आपने काम लेना है, लाइक क्लरिकल माइंड के साथ आपने लोगों को लेके आना था। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसमें तब्दीली लेके आए, और इस तब्दीली के लिए हम ये आपसे, जैसे कि बहुत सारा काम गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन मैं आपसे बीइंग एक जो मोटिवेट कर रहा है सोसाइटी में बच्चों की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और एनालिटिकल स्किल्स कैसे पैदा की जाए, उनको कैसे इस काबिल किया जाए कि वो जो पुरानी रवायत है उससे डिटैच होके अब वो नए सिलसिले में दाखिल हों और वो एनालिटिकल माइंड के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ दुनिया में आगे निकले। इसके लिए आप सजेस्ट करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहाँ से शुरू करें गाइड करना। देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल में तो बड़ी रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जो बात फरमाई, जो मैं समझाऊं वो ये है कि जो बच्चे अब मैट्रिक पास करके आपके पास कॉलेज में आ गए हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करें कि वो क्रिएटिव हो जाएं, वो कैसे मोटिवेट करें कि वो क्यूरियस हो जाएं। तो ये असल में उनका पूरा जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है उसको चेंज करने की बात है। हम पहले दिन से अगर ये फैसला कर लेते हैं कि हमने बच्चों में क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, तो हम उसके मुताबिक सिस्टम को बनाएंगे, उसके मुताबिक टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, उसके मुताबिक अपने सिलेबस और अपने करिकुलम्स को सेट करेंगे। लेकिन जब हमारा सिस्टम ये चाहता है कि बच्चा कंप्लायंस शो करे, उसका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने कंप्लायंस शो करनी है, सर फेंक के जो बड़ा कह रहा है उसकी बात मानते जाना है, तो फिर ये क्रिएटिविटी का हम ख्वाब तो देख सकते हैं, इसको पैदा नहीं कर सकते। ये क्रिएटिविटी, ये क्यूरियोसिटी जो है ये एक पूरा माहौल क्रिएट करता है। यानी ये बच्चे को कह देने से नहीं होती कि तुम थोड़ा सा क्यूरियस हो जाओ। बच्चा, एक बात तो ये कि सबसे पहली बात आपने फरमाई कि हम ये कैसे पैदा करें, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमारा सिस्टम इसको पैदा करने का तो दूर रखिए, इसको मारता है। बच्चा नेचुरली क्रिएटिव भी होता है, नेचुरली क्यूरियस भी होता है। हमने पूरी कोशिश करके इसके गले को घूंटा हुआ है। इसके बाद जब वो 10 साल इससे गुजर के आपके पास आया, अब आप ये चाहते हैं कि अब उसको दोबारा जिंदा करना है, तो इसके लिए आपको एक पूरा माहौल
ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसके अंदर वो कुछ अर्सा तो उसको शक की नजर से स्केप्टिकली देखेगा, ये कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ही एक नई चीज बन जाए। और फिर एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि जो हमारे टारगेट्स हैं, जो आपकी रैंकिंग होनी है, आपके इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग होनी है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा की है या नहीं की है, या क्रिएटिविटी पैदा की है या नहीं की है, इस पर आपको भी नुकसान हो सकता है। ये है वो सारी सारे का सारा स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है, जिसमें कि आप ये ख्वाब तो देख सकते हैं कि हम बच्चों में ये क्वालिटीज पैदा करें, वो ख्वाब को रूबा अमल करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में। हम एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना के तो ये कर सकते हैं, लेकिन बने हुए ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके ऊपर एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, जो कि जिनका टारगेट बेसिकली रिजल्ट पैदा करना है, मुझे ये बताइए कि क्यों है ये? इसलिए क्योंकि उन्होंने रिजल्ट्स को मार्केट करके अगले साल की एडमिशन लेनी है। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप ये 10 दफा ये कह दीजिए, 10 प्लेकार्ड लगा के देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो अखलाकी लिहाज से, वो क्रिएटिविटी के लिहाज से, वो क्यूरियोसिटी के लिहाज से सबसे आगे, नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड अनलेस आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर इस मकसद से बना हुआ है। उसके लिए एक छोटी सी मार्केट भी बहुत होती है जी। तालीम का निज़ाम असल में अगर इसको हम एनालॉजी ड्रॉ करें तो ये हेल्थ के सिस्टम पे बेस्ड है, यानी जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स या हमारे हस्पताल जो हैं उनका काम लोगों की फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना है, इसी तरह तालीम का निज़ाम जो है वो इसलिए बनाया जाता है कि लोगों की मेंटल, इमोशनल और मॉरल हेल्थ को ठीक रखना। और हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम है। आप एक हस्पताल को इमेजिन कीजिए कि जिस अस्पताल में हर आने वाला मरीज एक ही तरीके पर गुजरेगा और 10 जमातों के बाद उसको फारिग कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब ये ठीक हो गया। ये निज़ाम सेहत अगर आप इस तरह का बना दें तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन हमने निज़ाम तालीम इस तरह का इसलिए बना दिया क्योंकि इसके नतायज थोड़े अरसे बाद निकलने हैं। आज 70 बरस हो गए हम ये नतायज भुगत रहे हैं, एक करप्ट सिस्टम में, एक बिल्कुल लर्निंग से आरी सिस्टम में हम उसको मेंटेन करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज भी हमें ये नहीं मालूम कि हमारा मकसद है क्या। तो पहले इसके लिए मकसद तय कीजिए, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं ये जो आपका सवाल है ये असल में एक चौकोर खाने में गोल मेख लगाने के बराबर होगा। यानी आपने एक पूरा सिस्टम जो बना दिया है उसमें जो मेख चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं, वो सिस्टम उसको बदल के रख देगा। हमारे टीचर्स की रैंकिंग किस तरह होती है, यानी क्या हम ये अपने टीचर्स के बारे में सोचते हैं कि ये जो टीचर्स हैं इन्होंने कितनी मॉरल तरबियत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमने वो क्राइटेरिया भी क्या बनाए भी हुए हैं कि हम ये मॉरल तरबियत या कैरेक्टर डेवलपमेंट को किस तरह से जज करेंगे, कितने अरसे में जज करेंगे? ठीक है ना जी, ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं जब तक हम इसकी बुनियाद पर एक सिस्टम को इमेजिन करके उसको डिजाइन नहीं करते हैं उस वक्त तक असल में हम चीदा चीदा चीजों में ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो नाकामियां होती रहेंगी। असल तब्दीली आएगी माहौल से ही। गोया हमें एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक एज अ होल सिस्टम जो है उसको अपलिफ्ट करना होगा, और उसमें स्टूडेंट भी शामिल है, उसमें टीचर भी शामिल है, उसमें पेरेंट्स भी शामिल है, उसमें सोसाइटी भी शामिल है और उसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। यानी ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने सब ने मिलना है और उन्होंने तरतीब देना है इस सारे सिस्टम को 200 साल से जो चल रहा है उसको अंडू करके एक नए सिस्टम में दाखिल करना है। बहुत शुक्रिया मोहित साहब, आपने हमें टाइम दिया, आप इस पे काम कर रहे हैं, हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको ज़रूर जूम पे फिर से तकलीफ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जो कुछ हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के हवाले से कर सकते हैं और आप जो काम कर रहे हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं हम वो करें, इसके लिए आपको हम बार बार ज़हमत देते रहेंगे, उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, बहुत शुक्रिया जी। तो मोहित साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात का जवाब दिया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसके हवाले से अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम कुछ इस तरह का है कि इसमें सवालों को डिस्करेज किया जाता है और इसका जो तरीक़ाकार है वो 200 साल पुराना है।
जो कि अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह से डेवलप किया गया था, जिसमें कि कंप्लाइंस करने वाले लोगों को मार्केट में लेके आना था, और उसमें बाकायदा तौर पर कोशिश ये की जाती थी कि सवाल ना किया जाए और बस सर फेंक के जो कहा जाता है उसको उसको फॉलो किया जाए। जबकि अब हम जो 21st सेंचुरी में, जो कि हाईटेक का ज़माना है और जो कि हम अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसको तब्दील होने का एक बड़ी तेजी से जो प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं, इस सूरत हाल में हमें हर सूरत में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाएं, उनके अंदर क्रिएटिविटी जो मौजूद है उसको बाहर निकालें, उनके अंदर एनालाइज करने की जो अल्लाह ने एबिलिटी दी है उसको नर्चर करने के लिए सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दें, और उसके साथ साथ उनके अंदर की जो क्रियोसिटी है जिसकी बिना पर सारी दुनिया जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चलती है उसको ख़त्म ना करें बल्कि उसको इनक्रेज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे मामलात को ठीक होने के लिए ये तीनों चीज़ों को लेके चलना है। उसके साथ साथ एक एक ट्रायंगल है जिसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रायंगल क्या है? एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं, और तीसरी तरफ टीचर्स हैं। ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो एक तरफ गवर्नमेंट का रोल है और एक तरफ सोसाइटी का रोल है, अगर ये ट्रायंगल गवर्नमेंट और सोसाइटी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलती है तो यकीनन हम इस एजुकेशनल सिस्टम में रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इस पे ना सिर्फ साहिब इक्तदार लोगों को गौर करना और सोचना है, सोसाइटी को भी मिनहसल सोसाइटी इस पे काम करना है, और ये जो ट्रायंगल है इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मिलके अपना अपना रोल अदा करना है। तो इंशाल्लाह बहुत पुरउम्मीद हूँ मैं कि इसमें तब्दीली आएगी और हमारी गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। जी इंशाल्लाह जी जी, तो बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमारे देखने वालों को बहुत अच्छे से गाइड किया, और मोइस साहब का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगर आपका कोई सवाल है या किसी टॉपिक के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।